एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है 21 दिन में हम कैसे अपना 10 किलो वजन कम कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट हाँ पॉसिबल है। लेकिन कब? जब आप जो ये शेड्यूल जो मैंने बनाया है अगर आप उस तरीके से फॉलो करें तो। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मैंने इसमें लिखा है, वर्कआउट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो पूरे दिन भर की डाइट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों चीजों को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो मैं डैम श्योर हूं कि 21 दिन में आपका 10 किलो वजन आसानी से कम होगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियर बोलूंगा कि अगर आपको इसको पूरी डिटेल जाननी है इसके बारे में, तो आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वहां पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 21 दिन में 10 किलो वजन कैसे, 21 दिन ही क्यों। देखिए, 21 दिन अगर आप अपने फिटनेस लाइफ को बढ़ाते हैं और कंटिन्यूटी रखते हैं तो 22 दिन वो आपकी आदत बन जाती है, ये आपको ही पता है। यानी कि 21 दिन बाद आप एक फिटनेस वाली लाइफस्टाइल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इसको कौन नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर किसी को थायराइड है तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब 21 दिन वाले जो प्रोग्राम जो मैंने बनाया उसको वो 10 किलो वजन कम नहीं हो सकता। उसका हो सकता है 5 किलो हो सकता है, 6 किलो हो सकता है, लेकिन 10 किलो की यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दूंगा। PCOD प्रॉब्लम है उसको भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो उनको पहले उनकी प्रॉब्लम खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो यहाँ पे कर सकते हैं 10 किलो वजन कम अपना 21 दिन में। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि कौन इसको कर सकता है। देखिए, जो बुरा बैड लाइफस्टाइल में है, यानी कि जिनका खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रहता है और जिनका खाने पीने का शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है वो, और उसकी वजह से उनका वेट बढ़ा है, तो वो यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 21 दिन वाला चैलेंज आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और 21 दिन में अपना 10 किलो वजन आसानी से आप कम कर सकते हैं। ओके, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपका जो बॉडी मेजरमेंट है, ठीक है, और आपका जो वेट है वो एक डेट डाल के आप लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हर तीसरे दिन में कितना आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर तीसरे दिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका बॉडी इंचेस जा रहा है या आपका वेट जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हमें दोनों चीजें साथ में लेके चलना पड़ेगा, इंचेस भी लेके चलना पड़ेगा और वेट भी लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। अब जो डाइट प्लान है इसमें अपन ने क्या किया है जिसकी वजह से आपका 21 दिन में 10 किलो आसानी से गिर जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है कि आपका जो कार्ब का जो रेशो है, कार्ब का जो सोर्स है, यानी कि चपाती, राई, जो भी आप फास्ट फूड जंक फूड जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे एनर्जी मिलती है, वो हमने यहाँ पे कट कर दिया। मतलब कट तो नहीं किया है, बट कम कर दिया है। जितना आप डेली लेते हैं उस वजह से थोड़ा कम कर दिया है, तो इसकी वजह से आपका रिजल्ट और अच्छा आ सकता है। ओके, और सबसे मेन चीज यहाँ पे हमने क्या की है कि हमने यहाँ पे 2 times आपका वर्कआउट ऐड किया है। ठीक है, 2 times वर्कआउट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड यहाँ पे चाहिए कार्ब को कट कर दिया, और थर्ड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्कआउट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अगर आप करेंगे तो मैं डैम शुरू आपका 100% रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। ओके, अब बात आती है कि 21 दिन के अंदर हमें कौन से न्यूट्रिशन चाहिए। तो देखिए, मेरे पास में यहाँ पे न्यूट्रिशन है 21 days के लिए, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। फर्स्ट यहाँ पे आपको चाहिए Formula 1, ठीक है, Formula 1 आपके पास में होना चाहिए। दूसरा आपके पास में होना चाहिए ShakeMate। तीसरा आपके पास में होना चाहिए Personalized प्रोटीन पाउडर, और चौथा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए Afresh। अगर आपका बजट कम है तो आप इसमें छोटा वाला भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बड़ा वाला ही लीजिए, ताकि आपको क्या है ना कि हम 2 times शेक रखेंगे तो उसमें आपका वर्क अच्छे से हो जाएगा, मतलब काम आ जाएगा। ओके, जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ये 21 दिन का पूरा आपका प्रोसेस है, ये वाले न्यूट्रिशन आपके पास में होने चाहिए। अब 21 दिन के अंदर मैंने यही सेलेक्ट क्यों किए हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि सबसे मेन चीज हमें क्या चाहिए, लो कैलोरी चाहिए, और उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स, ये सारी चीजें हमें प्रॉपर चाहिए। तो इसलिए मैंने ये तीन ही न्यूट्रिशन ऐड किए हैं जहाँ पे आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल सके। ओके, तो अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी डाइट चार्ट की। अब हमें डाइट चार्ट को कैसे फॉलो करना है, देखिए यहाँ पे अभी तक आपने डायरी पेन हाथ में नहीं लिया ना, तो अब ले लीजिए, क्योंकि अब आपको डायरी पेन की जरूरत पड़ेगी और आपको लिखना भी पड़ सकता है। ओके, तो आपने अभी क्या करना है, डायरी पेन लेके बैठना है, मैं अभी जो बताऊंगा डाइट चार्ट वो पूरा आपको उतारना है।
और यही डाइट चार्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। 20% आपका वर्कआउट यहाँ पे मैटर करेगा, बट 80% यहाँ पे आपकी डाइट मैटर करेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आप जैसे उठते हैं तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब ऑलमोस्ट आपका टाइम होना चाहिए उठने का 5:30 से 6 के बीच में। जैसे आप सुबह उठते हैं 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। उसके अंदर आप लेमन ऐड कर सकते हैं, लेमन वाटर का भी पी सकते हैं, बाकी सिंपल चाहिए तो ज्यादा बेस्ट है। 2 ग्लास आपने नॉर्मल गुनगुना पानी पी लिया, उसके 15-20 मिनट बाद आपको क्या करना है, अफ्रेश लेना है। ये जो अफ्रेश है वो आपको लेना है, और इसके कितने स्पून लेने हैं आपको, 2 स्पून लेने हैं, 2 स्पून विथ हॉट वाटर। और कांच का गिलास या फिर आपका चीनी का कप, दोनों में से एक के अंदर आपको ये चीज आपको कैरी करनी, ये चीज आपको लेनी है, ठीक है, अप्रेस। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका अप्रेस हो गया। ये क्या करेगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा मॉर्निंग में उठते ही, और दूसरा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता रहेगा, और सबसे मेन चीज आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम रहा उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसके ये 3-4 वर्क है, वैसे डीप इन्फॉर्मेशन मैंने बना रखी है, बट अभी ये आपको बता रहा हूँ। ओके, ये अप्रेस आपको चाहिएगा। अब अप्रेस लेने के बाद में, अप्रेस लेने के 15 मिनट बाद आपको क्या करना है, वॉकिंग करनी है। या तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर आप रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। अगर आप सपोज बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे, तो आपके आसपास या तो पार्क होगा, या फिर आप छत पे, मतलब 3-4 किलोमीटर आपको वॉक करना है। मॉर्निंग का आपका ये प्रोसेस फिक्स होना चाहिए डेली, ठीक है। तो आपने वॉकिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, 3-4 किलोमीटर आपने मतलब रन कर लिया अच्छे से, उसके बाद आता है टाइम आपका ब्रेकफास्ट का। अब ब्रेकफास्ट के अंदर आपको क्या करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें क्या चीजें करनी पड़ेगी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, हमें क्या करना पड़ा, जो हमने न्यूट्रिशन मंगवाए हैं, जो फॉर्मूला हुआ है सारे न्यूट्रिशन मंगवाए, उसको हमें पूरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला वन जो है उसके आपको लेने हैं 3 स्कूप लेने हैं आपको इसके फॉर्मूला वन के। शेकमेट का आपका 1-1.5 स्कूप होना चाहिए। पर्सनल प्रोटीन के आपके 2 स्कूप होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों, और इसके साथ में आपको ऐड करना है 300-400 ml वाटर, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर नहीं है तो आप आइस क्यूब ले सकते हैं 3-4 नॉर्मल वाटर के अंदर, ठीक है। इसका आपको पूरा शेक बनाना है, शेक बना के आपको ये ब्रेकफास्ट में कैरी करना है। अब इसके पीने के बाद में, इन सभी के पीने के बाद में आपको क्या करना है, 10-15 मिनट बाद आपको कम से कम 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। 3 ग्लास गुनगुना पानी पी लेंगे, फिर बात आती है आपकी नेक्स्ट मील आती है स्नैक्स मील, क्योंकि हमें यहाँ पे 8-9 मतलब 8-9 आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब 2 बजे से पहले एक छोटी मील आपकी होनी चाहिए स्नैक्स में, जहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हेल्दी फैट और मिनरल्स विटामिन्स, ये सारी चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं उसको, वो चीजें आपको ऐड करनी। अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हेल्दी फैट के अंदर आप कोई भी नट्स ले सकते हैं, वॉलनट्स, या फिर आप आलमंड्स ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज। और उसके साथ में आपको क्या करना है, इसका 1 स्पून हर्बल टी का 1 स्पून ही आपको लेना है वहां पर, ठीक है। और भी उसके साथ में एप्पल भी आप ले सकते हैं, अगर वो चीजें नहीं ले तो आप एप्पल उसके साथ में ले सकते हैं, लो कैलोरी है, ठीक है। तो ये आपकी एक मील हो गई, स्नैक्स मील। अब बात आती है आपके लंच की। लंच के अंदर आपको क्या करना, सबसे पहले तो लंच का आपका टाइम फिक्स होना चाहिए 1-2 के बीच में। देखिए ये टाइम पीरियड है ना, मैंने हर 3-4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ ऐड किया, तो इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा फोकस करना है। ओके, तो 1-2 के बीच में आपका लंच होना चाहिए। 1-2 के बीच में जो लंच होगा उसके अंदर आपको 1 चपाती लेनी है, और वो भी विदाउट बटर, ठीक है, या फिर ब्राउन राइस, इन दोनों में से एक लेना है, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं लेना है, दोनों में से एक ही चीज लेंगे। ब्राउन राइस आप कितना ले सकते हैं, 1 कप, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं करनी है। देखिए बात को समझिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमें कार्ब्स को कट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपका जो वेट है वो अच्छे से कम हो पाएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे कार्ब्स कट करूंगा ना तो आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपको कोई कमजोरी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी हेल्दी, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैट है, तो वो आपको एनर्जी देता रहेगा, ठीक है। हाँ, भूख लगने जैसा होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्नैक्स मील ऐड कर लिए, तो आपको ऐसा वीकनेस टाइप कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 चपाती या ब्राउन राइस, दोनों में से एक। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, सलाद लेना है। सलाद में खीरा, टमाटर, जो भी आप लेना चाहे, ब्रोकली, या सारी चीजें अवेलेबल होती है मार्केट में, वो आपको मिल जाएगी। अब ये चीज आपने ले ली, इसके साथ में आपको प्रोटीन फूड्स पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि मैं बात करूंगा या तो टोफू पनीर, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो पनीर आता है डेयरी पनीर, नॉन फैट डेयरी पनीर आप यूज कीजिएगा, ठीक है, जहां तक हो सके फोकस उस पर करना, या फिर सोया चंक ले सकते हैं 40 ग्राम, या फिर राजमा, ये आप ऑप्शन रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30-40 ग्राम क्वांटिटी होनी चाहिए। और इसके साथ में आप लो फैट कर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, दही ले सकते हैं आप। ये आपकी पूरी मील हो गई। और एक और मैं यहाँ पे एक चीज बोलना भूल गया था आपको स्टार्टिंग में, कि आप जो पानी का जो इंटेक रहेगा, मतलब वाटर इंटेक जो रहेगा, वो पूरे जो दिन भर में जितनी भी मील होती है उससे आधे घंटे पहले और उसके आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है। यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपने
लंच लिया, लंच से आधे घंटे पहले एक ग्लास पानी पीना है और लंच के आधे घंटे बाद आपको एक ग्लास पानी पीना है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको क्या होगा, जो दिन भर की जो वाटर इंटेक है वो भी आपका पूरा हो जाएगा, हो पाएगा और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, ओके। क्योंकि वेट बढ़ने का वो भी बहुत बड़ा कारण था, पानी की कमी, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारे सेकंड स्नैक्स मील की, जो है इवनिंग स्नैक्स मील, वो आपका होना चाहिए कितने बजे, 5 बजे। ये एक्यूरेट हमें 5 बजे ही लेना है, ठीक है। 2 बजे हमने खत्म कर लिया लंच, 3, 4, 5 पांचवें बजे आपके, 5 बजे मतलब तीसरे घंटे में आपकी फिर से एक मील आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से मैं बात करूंगा हर्बल टी, यहाँ पे आपको उसको 2 स्पून लेने हैं। देखिए हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा 6 स्पून इसके लेने हैं, ठीक है। 7 स्पून हमारा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अभी तक हमारे 5 स्पून हुए हैं, तो 2 स्पून हमें लेने हैं, ठीक है। आपने एनर्जी ड्रिंक ले लिया, हॉट वाटर जब चाय पीने की इच्छा होती है तब आप इसको ले सकते हैं, और इसके साथ में आपने क्या किया, या तो फिर ओट्स की कुकीज बिस्किट आते हैं फाइबर न्यूट्री चॉइस के, जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे, 2 से 3 बिस्किट वो ले सकते हैं, या फिर आप 4 से 5 आलमंड्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। ये आपने ले लिया। अब शाम का हमारा वर्कआउट रहेगा 5:30 बजे। 5:30 बजे हमें बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा वर्कआउट क्या क्या रहेगा, ठीक है। कौन सा वर्कआउट करना है वो पूरा यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है, 5:30 बजे वाली में। फिर बात आती है हमारी डिनर की। अब डिनर के अंदर आपको क्या करना है, डिनर के अंदर फिर से आपको शेक को रिपीट करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैलोरीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हम अगर कैलोरीज को कट नहीं करेंगे तो हमारा वेट पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे क्या किया कि 1100-1200 कैलोरी पे आपको डायरेक्ट मैं लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना, शेक को सेम रिपीट करना, उसके बाद 3 ग्लास गुनगुना पानी 10 से 15 मिनट बाद, ओके। अब सोने से पहले आप क्या करेंगे, सोने से 45 मिनट पहले 1 ग्लास नॉन फैट मिल्क। नॉन फैट मिल्क आपको कैसे बनाना वो मैं आपको बताता हूँ। आप डेयरी से दूध लाते हैं, उसको आप गर्म कीजिए एक बार, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसकी जो ऊपर की जो मलाई है वो हटा दीजिए। एक बार फिर गर्म कीजिए, फिर उसको ठंडा होने दीजिए और ऊपर की जो मलाई है उसको हटा दीजिए, जिससे क्या होगा, वो पूरा जो दूध है वो पूरा नॉन फैट हो जाएगा। तो 1 ग्लास आपको उसको लेना है, उसके साथ में 10 से 12 आपको आलमंड्स लेने हैं। तो ये आपकी सोने से पहले बिफोर बेड आपकी जो मील है वो आपकी हो गई, ओके। तो ये पूरा डाइट चार्ट है। अब बात आती है वर्कआउट की। देखिए मैंने बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक चीज भी आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया वो भी आपको लेने पड़ेंगे, आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बताई, और आपको जो वर्कआउट बता रहा वो भी करना पड़ेगा। वर्कआउट में हमें क्या क्या करना है, स्टार्टिंग आपको सबसे पहले तो वार्म अप कर लेना है, 5 मिनट आपका वार्म अप होना चाहिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी इंजरीज और जर्क नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स में जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरी ऊपर क्लैप करना है, ठीक है। क्लैप करेंगे तो आपका जो साइड वाला एरिया है वो भी आपका कवर हो जाएगा, तो आपको क्लैप करके जंपिंग जैक्स करना है। इसके 3 से 4 सेट करने हैं और 30 से 40 रेपिटेशन आपको इसके करने हैं, 30 से 40 काउंट करने हैं। सेकंड आपकी होगी हाई नीज। हाई नीज के लिए आपको सेम सेट करने हैं, 30 से 40 आपको रेपिटेशन करने हैं और 3 से 4 आपको इसके सेट करने हैं। थर्ड आपका रहेगा फ्लाई जंप। जंपिंग जैक्स में हमने हाथों को ऊपर किया, फ्लाई जंप को हमें हाथों को आगे की तरफ करना है, ओके। इसके भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं और 30 से 40 रेपिटेशन इसको भी आपके कंप्लीट करने हैं, ओके। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो हमारी रहेगी जंप स्क्वाट्स। जंप स्क्वाट्स में आप नॉर्मल स्क्वाट्स भी कर सकते हैं अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हैवी है तो, या फिर जंप स्क्वाट्स अगर आप कर सकते हो तो बेटर होगा, ठीक है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं और इसमें भी आपको 15 से 20 रेपिटेशन निकालने हैं, मतलब 15 से 20 काउंट आपको करने हैं, ओके। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी लंजेस। लंजेस के अंदर ईच लेग के आपको 15 से 20 रेपिटेशन काउंटिंग करने हैं, ठीक है। इसका आप ध्यान रखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, परफॉर्म करना है, ओके। और सेकंड लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा वो रहेगा बर्पी। बर्पी में मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से बता रहा हूँ, एक है विदाउट जंप और एक है विद जंप। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप विदाउट जंप स्टार्ट करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के पास में इसको एडवांस में लेते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको खुद को करना है, वहां पे कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, तो आपको खुद को समझना चाहिए कि 21 दिन में मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ओके। लास्ट हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी माउंटेन क्लाइंबर। ये पूरी टमी के लिए है, जिससे क्या होगा कि आपका जो टमी फैट है वो ऊपर जल्दी जाएगा, ठीक है। तो माउंटेन क्लाइंबर आपको ये करना है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, 1x1 भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं और जंप के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जंप के साथ में आप बहुत जल्दी करना स्टार्ट करें। पॉस्चर का आप ध्यान रख लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपका परफेक्ट पॉस्चर होना चाहिए। इसके भी आपको 3 सेट करने हो, 30 से 40 रेपिटेशन करने हैं। 1 वीक आपको 30 से 40 होंगे, लेकिन आप में समझदारी होनी चाहिए कि आपको धीरे धीरे टाइम के साथ में आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा, तो उसको बढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 30 से 40 बोल रहा हूँ तो नेक्स्ट वीक भी आप 30 से 40 ही, उसको बढ़ाते रहिए। और हर एक एक्सरसाइज के बीच में आपको कम से कम 30 से 45 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो ये पूरा पैटर्न है जिसके अंदर न्यूट्रिशन, डाइट चार्ट और वर्कआउट मैंने आपको ये तीनों चीजें बता दी है। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, मैं डैम श्योर हूं कि आपका 10 किलो वजन आसानी से कम होगा, इजी कम होगा। और
उसके बाद अगर कम नहीं होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँ कैसे 21 दिन अपना आप रिजल्ट बना सकते हैं। ओके, और मेक श्योर कि आपने इसको स्टार्ट कर दिया होगा, और इसको स्टार्ट करने के बाद में मुझे कमेंट में बताइएगा कि हर तीसरे दिन में आपको कितना वेट गिर रहा है और कितना था, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो ये डाइट चार्ट और ये सब प्लान बनाया है वो आप पे मतलब इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मैं बहुत जल्दी वो आप जो टॉपिक बताएंगे उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।